नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में, यानी अग्नाशय का कैंसर। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। आपकी ब्रेन में इतनी ताकत है कि वो एक लाइट बल्ब जला सकती है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी झकास सी हेल्थ टिप, जैसे अपने लिवर को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं। हम सेहत में अभी तक कई तरह के कैंसर्स के बारे में बात कर चुके हैं, स्किन कैंसर, बोन कैंसर, ओरल कैंसर। आज बात उस कैंसर की जिसमें बचने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, पैनक्रियाटिक कैंसर, यानी अग्नाशय का कैंसर। अग्नाशय या पैनक्रियास वो अंग हैं जो आपके पेट के निचले हिस्से में होते हैं, यानी अब्डोमेन में होते हैं। ये इसी की वजह से है कि आप जो खाना खाते हैं वो कन्वर्ट होता है एक तरह की एनर्जी में, ताकि आपके शरीर के जो बाकी सेल्स हैं वो काम कर पाए, उन्हें ताकत मिल पाए। जब बात कैंसर की आती है तो पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में जानकारी बहुत कम है। साथ ही बहुत ही कम लोग ये भी जानते हैं कि जो संजय दत्त की मम्मी है, यानी मशहूर एक्ट्रेस नरगिस जो थी, उनका निधन भी पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से ही हुआ था। डेवलप्ड देशों में अब पैनक्रियाटिक कैंसर के जो केसेस हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, पर जो देश अभी भी डेवलप हो रहे हैं वहाँ पर अग्नाशय के कैंसर के केसेस अभी भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पैनक्रियाटिक कैंसर क्या होता है और क्यों होता है। हमारे हाथों के बीच में एक ग्रंथि होती है जिसमें खाना हजम करने के लिए एंजाइम्स बनती है। इस ग्रंथि को हम लोग पैनक्रियास कहते हैं। जब पैनक्रियास में ऐसी कोई गांठ बनती है जो आसपास के टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करती है, और उस मेन गांठ में से छोटे छोटे सेल्स पूरे शरीर में फैल के कहीं और लॉज होकर वहाँ पर टिश्यूज डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, तो इस तरह की गांठ को पैनक्रियाटिक कैंसर कहते हैं। पैनक्रियाटिक कैंसर के कई कारण हैं, बट मुख्य कारण उसमें फिर से एनवायरमेंटल है, जो कि स्मोकिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा पैनक्रियास में कभी अगर लंबे समय तक सूजन बनी रहती है, जो कि एक बीमारी है जिसको हम क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं, तो ऐसी बीमारी में भी आगे चल के पैनक्रियाटिक कैंसर बनने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। अगर वजन ज़्यादा है या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो भी ऐसे पेशेंट्स में पैनक्रियाटिक कैंसर होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। और सबसे आखिरी कारण है अनुवांशिक। कुछ ऐसे फैमिलीज़ में देखा गया है कि पैनक्रियाटिक कैंसर के कई पेशेंट्स एक साथ क्लस्टर्ड मिलते हैं, तो ये जेनेटिक रीजंस की वजह से। चलिए, आपको पैनक्रियाटिक कैंसर के कारण तो पता चल गए, अब बात इसके लक्षणों और इलाज की। पैनक्रियाटिक कैंसर के जो लक्षण हैं उसमें सबसे कॉमन लक्षण दो हैं। एक पेट में दर्द होना, जो कि जो है पेट में बीचों बीच होता है और कई बार पीठ की तरफ भी जाता है। दूसरा, आँखों में और पेशाब में पीलापन, जो कि जॉन्डिस की निशानी है। पैनक्रियास ऐसी जगह पे है जहाँ से पित्त की नली भी आसपास से गुजरती है, तो अगर उसमें पैनक्रियास में कोई गांठ बनती है तो पित्त की नली पे भी दबाव पड़ता है, और जिसकी वजह से पेशेंट को जॉन्डिस भी होता है। जॉन्डिस होने की वजह से ही ज़्यादातर केस में पैनक्रियाटिक कैंसर का डायग्नोसिस बनता है। जब जॉन्डिस होता है, उसकी जाँचें होती हैं, तो ये निकल के आता है कि पैनक्रियास में गांठ बन गई है। और पैनक्रियास में हर गांठ को हम लोग कैंसर ही मानते हैं जब तक कि उसको हम गलत ना प्रूफ कर लें। इसके अलावा भूख कम लगना, वजन कम होता रहना, और जो है दूसरे लक्षण है पैनक्रियाटिक कैंसर के। पैनक्रियाटिक का कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है स्टेज पे। स्टेज का मतलब कि बीमारी कितनी फैली हुई है। पहला और दूसरा स्टेज जो है होता है जो बीमारी पैनक्रियास के अंदर ही होती है, कहीं और बाहर नहीं निकली हुई होती है। ऐसे केस में जो पैनक्रियाटिक कैंसर का मेन ट्रीटमेंट है वो ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन में उस गांठ को एक मार्जिन के साथ निकाला जाता है, जिसमें पैनक्रियास का एक बड़ा हिस्सा निकलता है, साथ में आसपास के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं वो भी निकाले जाते हैं। पैनक्रियास के कैंसर का जो ऑपरेशन होता है अपने आप में एक मेजर सर्जरी होती है। आप ये मान के चलिए कि जो भी कैंसर की सर्जरीज होती है उसमें सबसे बड़ी सर्जरीज में वो एक माना जाता है। पहले और दूसरे स्टेज में ऑपरेशन काफ़ी होता है, और उसके बाद पेशेंट को फॉलोअप में रखा जाता है, बीच बीच में मिला के चेकअप होता है और जांचें चलती हैं। तीसरा स्टेज वो होता है जब गांठ पैनक्रियास के बाहर आ जाती है और आसपास के लिम्फ नोड्स जो होते हैं उसमें भी फैल जाती है। इसमें ट्रीटमेंट इस पर डिपेंड करता है कि आसपास जो लिम्फ नोड्स हैं वो कितना फैले हुए हैं, और आसपास की जो खून की नसें हैं उससे बीमारी कितनी चिपकी हुई है। कई बार ये होता है कि बीमारी थोड़ी चिपकी हुई होती है, तो उसमें हम लोग पहले बीमारी को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से सिकोड़ लेते हैं, और जब वो अलग हो जाती है नसों से तो उसको ऑपरेट करके निकाल लेते हैं।
पैनक्रेटिक कैंसर में ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्योर करने का एक ही तरीका है, वो है सर्जरी। जिन केसेस में सर्जरी नहीं हो पाती है, जैसे कि जब खून की नसों से बीमारी बहुत ज़्यादा चिपकी हुई होती है और कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से वो अलग नहीं होती है, या जब फोर्थ स्टेज में कैंसर लिवर लंग ब्रेन बोन्स में फैला हुआ होता है जिसमें हर जगह से ऑपरेट करके निकालना नहीं संभव होता है, तो ऐसे केसेस में हमारा ट्रीटमेंट फिर पैलिएटिव हो जाता है या सपोर्टिव कह लीजिए। मतलब हम लोग क्योर की तरफ नहीं जाते हैं, पेशेंट को आराम देने की कोशिश होती है, उसके दर्द वगैरह जो सिम्टम्स है उसको कम करने की कोशिश होती है और उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए फिर किया जाता है। ये जो पैलिएटिव ट्रीटमेंट है इसमें भी कई चीज़ें हम लोग करते हैं जिससे पेशेंट को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले और उसकी लाइफ की जो लॉन्गेविटी है वो बढ़े। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट दवाइयों के द्वारा होता है, पेन किलर्स जो कि हम स्टेप बाई स्टेप बढ़ाते हैं जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, और उसमें उसके साथ साथ पेन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कई प्रोसीजर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं नर्व ब्लॉक। इसमें हम लोग एक पतली सी सुई के द्वारा बिना ऑपरेशन किए जो पैनक्रियास के आसपास जो पेन संवेदना वाली नसें होती हैं उनको हम जला देते हैं। इससे 6 से 8 महीने तक के लिए पेशेंट्स को पेन में काफ़ी रिलीफ हो जाता है और उसकी लाइफ बेटर हो जाती है। इसके अलावा कई बार जो हैं रास्ते ट्यूब्स में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, जैसे हमने आपको बताया है कि पित्त की नली बहुत पास होती है और उस पर दबाव पड़ता है तो जॉन्डिस हो जाता है, तो जॉन्डिस को कम करने के लिए कई बार हम लोग पित्त की नली में एक स्टेंट डाल देते हैं जिससे जॉन्डिस में रिलीफ हो जाता है। साथ में हम लोग इसमें कई बार कीमोथेरेपी भी देते हैं अगर पेशेंट टॉलरेट कर रहा होता है, जिससे कि बीमारी कंट्रोल में रहे, किस्मत अच्छी रहती है तो काफ़ी श्रिंक भी हो जाती है और पेशेंट की लाइफ बढ़े रहे। तो ओवरऑल ये ट्रीटमेंट रहता है पहला दूसरा और तीसरा स्टेज में हम लोग क्योर के लिए जाते हैं जिसमें सर्जरी ही मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। साथ में कई बार हम लोग पहले या ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी भी देते हैं, खास करके तीसरे स्टेज में जब बीमारी पैनक्रियास के बाहर भी निकल चुकी होती है। चौथे स्टेज में ट्रीटमेंट मेनली सपोर्टिव होता है जिसमें पेन मैनेजमेंट, जॉन्डिस का मैनेजमेंट, आंतों में ऑब्स्ट्रक्शन का मैनेजमेंट के साथ दवाइयां दी जाती हैं पेशेंट की लाइफ को बढ़ाने के लिए। पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में सही जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, तो डॉक्टर साहब की जो बातें हैं उन पर खास ध्यान दीजिएगा। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। ब्रेन को ऐसी एक हाई पावर मशीन थोड़ी ना कहते हैं, कितनी कमाल की चीज है। देखिए, आपके ब्रेन में होते हैं न्यूरॉन और ये होते हैं बेसिक वर्किंग यूनिट, यानी एक स्पेशल तरह के सेल जो कोई भी जानकारी ट्रांसमिट करते हैं आपके शरीर के बाकी सेल्स और मांसपेशियों तक। अब ये न्यूरॉन इतनी इलेक्ट्रिसिटी यानी इतनी बिजली बना लेते हैं कि 25 वॉट का लाइट का जो बल्ब होता है वो जला सकते हैं। इसका श्रेय जाता है उन करोड़ों ब्रेन में मौजूद सेल्स को जो मिलकर इतनी एनर्जी पैदा करते हैं। यही नहीं, कोई भी जानकारी जो आपके शरीर में आपकी ब्रेन तक सफर कर रही होती है, जा रही होती है आपके ब्रेन तक, उसकी स्पीड पता है कितनी होती है? 241 किलोमीटर प्रति घंटे। वाह। वैसे आपकी ब्रेन 75% पानी से बनी होती है, इसीलिए कहा जाता है कि पानी जरूर पीते रहिए, शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही जब आप सो रहे होते हैं आपकी ब्रेन तब भी एक्टिव होती है, मतलब उसको तो रेस्ट मिलता ही नहीं है। नो वंडर उसे इतनी ताकत की ज़रूरत होती है, यानी आपके शरीर में जो खून बनता है उसका 20% खून जो है, जो पूरी बॉडी में जो बन रहा है, वो आपकी ब्रेन के पास जाता है। सही है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। आपका लिवर, इसके कई काम होते हैं, खून फिल्टर करना ताकि वो साफ खून शरीर के बाकी हिस्से तक पहुंचे, फैट जो आप खाते हैं उसे तोड़ना, साथ ही एनर्जी स्टोर करना। अब ये तो बड़ी जिम्मेदारी वाले काम है, तो अपने लिवर को इन्फेक्शन या बीमारी से बचाने के लिए आपको अपनी डाइट पर खास ध्यान देना होगा। हेल्दी लिवर के लिए वो चीज़ें खाइए जिसमें खूब फाइबर होता है, जैसे कि ओटमील, साथ ही ब्रोकली, कॉफ़ी ज़रूर पीजिए, ग्रीन टी, बादाम और पालक अपनी डाइट में लीजिए। शक्कर प्लीज़ कम ही रखिए अगर नहीं चाहते कि आपके लिवर पर फैट जमा हो जाए, जैसे हम फैटी लिवर कहते हैं। तो आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं विभव। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।
लटक धरने पर चलें और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला लें। कहें कि क्या रहा है ढूंढ तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात ये है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे, उसमें भी मैं घटता रहे तुम बढ़ता रहे तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुरशी लग सकती है, यू बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत लटक।